हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में एसडी कार्ड अनसपोर्टेड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर लेना कि एसडी कार्ड शो कर रहा है कि नहीं। अगर अनसपोर्टेड वाली प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ पर तो नहीं करेगा, अगर ये कर रही है तो आप जान जाना कि आपने सपोर्ट कर ली है। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम रहता है स्टोरेज। तो गाइस, आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और जैसे नीचे आएंगे तो एसडी कार्ड मिल जाएगा या मेमोरी कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे कि शो कर रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं बैक। अगर गाइस फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो आपको मेमोरी कार्ड को या एसडी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकालना है और उसे अच्छे तरह से साफ़ कर लेना है, किसी अच्छे कपड़े से उसे साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद फिर से उसे फ़ोन में लगाना है। फ़ोन में लगाने के बाद चेक करना है कि प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अगर सही तरीके से आप लगाते हैं और साफ़ करके लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो वो पकड़ लेगी 100%, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर अनसपोर्टेड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो उस मेमोरी कार्ड को या एसडी कार्ड को फिर से आप मोबाइल से निकाल लेना, किसी दूसरे डिवाइस में लगाना, किसी लैपटॉप या फिर पीसी में लगा कर चेक करना क्या उसमें शो कर रही है कि नहीं। इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। अगर गाइस अगर आप लगाते हैं किसी पीसी में या फिर लैपटॉप में फिर भी यहाँ वहाँ पर अनसपोर्टेड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे यहाँ वहाँ से फॉर्मेट कर देना, क्योंकि तभी वो सही होगी। और जैसे उसे फॉर्मेट करने के बाद आप अपने मोबाइल में फिर से लगाएंगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड रहेगा 100% सही रहेगा और फिर आप उसे यूज कर पाएंगे और गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको खास ध्यान रखना है, उसे एक बार अच्छे तरह से साफ़ करना है और सही तरीके से लगाना है। और तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।